हाँ, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेटल्स होता है उसे तीन कैटेगरीज में हमने बांटा है। हम लोग जानते हैं कि तीन कैटेगरीज में होती है, हाईली रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव और मॉडरेट, और लास्टली लिस्ट एक्टिव मेटल्स। और ये मेटल्स हमें, जैसे आप देखते हैं, जो मेटल्स आपके हाथ में देखते हैं, गोल्ड्स के बने हुए ऑर्नामेंट, गोल्ड्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो जो गोल्ड्स के बने हुए आप ऑर्नामेंट्स देखते हैं, वो ऑर्नामेंट्स, या आप आयरन के बने हुए इक्विपमेंट्स देखते हैं, अपैरेटस देखते हैं, और जितने ही मेटल्स के बने हुए आप अपैरेटस देखते हैं, वो मेटल्स जिस फॉर्म में आप देख रहे हैं, वो उसका प्योर फॉर्म है। तो 90% मेटल जो होते हैं अपने इस ओरिजिनल फॉर्म में पाए नहीं जाते। इस फॉर्म में आप लोग सभी जानते हैं कि इस फॉर्म में बहुत ही मेहनत करके लाए जाते हैं। हमारे अर्थ में ये अधिकतर कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। दैट मीन्स ये रिएक्टिव होते हैं, अधिक से अधिक मेटल्स रिएक्टिव होते हैं हाईली और मॉडरेट, लिस्ट एक्टिव मेटल्स की संख्या बहुत कम है। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल और मॉडरेट एक्टिव मेटल हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित जो नॉन मेटालिक या नेगेटिव रेडिकल्स जो होते हैं उनसे अटैच रहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि अकरेंस ऑफ मेटल्स हमारे इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, जो मेटल्स की अकरेंस है वो दो तरीके से है। जो मेटल्स लिस्ट एक्टिव हैं वो बहुत कम हैं और वो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, बट उनके साथ केमिकल इम्प्योरिटीज नहीं होती है ना, उनके साथ फिजिकल इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसे हम अर्थली मटेरियल्स कहते हैं। अर्थली मटेरियल्स का मतलब होता है जैसे सैंड, स्टोन, सॉयल्स, दीज आर अर्थली मटेरियल्स। ये जो अर्थी मटेरियल हैं, अर्थली मटेरियल, ये हमारे अर्थ में होते हैं और इनसे ये मेटल जुड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं, जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, और भी मेटल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, दीज आर एक्टिव और मॉडरेट, दो रेंज। तो ये दो रेंज के जो मेटल्स हैं ये अपने नेटिव स्टेट में कभी नहीं पाए जाते हैं। कारण है कि ये हाईली रिएक्टिव हैं, तो हमारे आसपास के नेचुरल चीजों से, अर्थली जो अनडिजायर्ड मटेरियल्स हैं और जो नेगेटिव रेडिकल्स या नॉन मेटालिक्स जो मटेरियल्स हैं उनसे कंबाइंड होते हैं और अपने प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार हमारे पास जो मेटल्स हैं इनके दो अकरेंस के कंडीशन है। पहला जो कंडीशन है, इन्हें हम कहते हैं नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट। और दूसरा जो कंडीशन है, इसे कहते हैं कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब है कि आपका जो मेटल है वो अपने प्योर फॉर्म में होता है। जैसे इस कैटेगरी में आपके आते हैं प्योर मेटल में, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें फिजिकल इम्प्योरिटी, दैट मीन्स अर्थली मटेरियल, सैंड, सोयल एक्स्ट्रा, इसमें जुड़े रहते हैं। इनमें आते हैं प्लैटिनम, गोल्ड, ओके। ये दो जो आप देख रहे हैं ये अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं विद विद अर्थली मटेरियल, या अर्थी मटेरियल्स भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, ओके। लेकिन कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि जो हमारे एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स लाइक आप लोग जानते हैं सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये दीज आर द एक्टिव मेटल्स। और जो मॉडरेट मेटल्स हैं, मॉडरेट मेटल्स में आ जाइए तो जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे मॉडरेट जो मेटल्स हैं, ये दोनों जो हैं इस कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेंगे। अब कैसे कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे? तो हाईली एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम है, तो ये हाईली रिएक्टिव नेगेटिव रेडिकल से ज्वाइन रहता है, जैसे Cl- F- इन लोगों से जुड़कर। सोडियम अगर
क्लोरीन से जुड़ता है तो क्या बना देगा, NaCl। फ्लोरीन से जुड़ता है तो क्या बना देगा, NaF। इसी तरह से पोटासियम ले लें तो इन लोगों से मतलब इन नेगेटिव रेडिकल से ही ज्वाइंट रहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर एक्टिव मेटल्स जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये अधिक से अधिक हाईली, सबसे पहले आप सोचिए कि जो रेस में आगे होगा, जो रेस में आगे होगा वो सबसे आगे तेज दौड़ रहा होगा, वो सबसे पहले दिखेगा, और उससे जो थोड़ा धीरे होगा वो उसे पीछे दिखेगा, और बहुत जो धीरे दौड़ने वाला वो बहुत पीछे। इसी प्रकार जो एक्टिव मेटल की सीरीज में जो सबसे अधिक रिएक्टिव हैं वो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, और इसी तरह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर या नेगेटिव रेडिकल्स जो कैरेक्टर हैं वो भी अपने दौड़ में आगे होंगे। तो ये दोनों आगे दौड़ने वाले एक दूसरे से पहले मिलेंगे और क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके अपना कंपाउंड पहले बना लेंगे। देख लीजिए, कंबाइंड स्टेट पहले बना लेंगे। अब जैसे मॉडरेट मेटल्स हैं, जैसे जिंक है, जैसे आयरन है, इन्हें ये फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं, बता चुके हैं कि हाईली रिएक्टिव ये नेगेटिव रेडिकल है और ये हाईली रिएक्टिव पॉजिटिव रेडिकल हैं, तो दोनों पहले मिलेंगे हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये रिएक्शन के दौर में आगे हैं तो इनकी मुलाकात भी पहले होगी। यस, और जिंक और आयरन की बात करें तो ये इनसे ठीक पीछे हैं, और निगेटिव रेडिकल्स में भी पीछे, इनके ठीक पीछे वाले कौन होंगे, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपके हाइड्रोक्साइड होंगे, सल्फेट होंगे, सल्फेट होंगे, है ना, नाइट्रेट होंगे, इस तरीके से कार्बोनेट्स होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये जिंक से जुड़ेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, देख पा रहे होंगे, सॉरी उसे हम ऊपर करते हैं ताकि आप देख लें। हाँ, तो इसे हम ऊपर दिखा देते हैं यहां पर। हाँ, देख लें, जिंक अगर लेते हैं, जिंक, तो जिंक किन से जुड़ेंगे, OH माइनस, CO3 टू माइनस, SO4 टू माइनस, सल्फेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, कार्बोनेट हो गए, ओके। तो ये सारे जो देख रहे हैं ये नेगेटिव रेडिकल्स हमारे किस नेगेटिव रेडिकल से लो है भाई, तो क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, इनसे लो कैटेगरी में आते हैं। इस कारण क्या होते हैं, ये रिएक्शन की दौड़ में पीछे होते हैं। जिंक देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, आयरन देख रहे हैं, ये सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम से पीछे होंगे। तो अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा। तो जिंक अगर हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो जिंक हाइड्रोक्साइड, अगर जिंक कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो जिंक कार्बोनेट, है ना, सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट। तो आप लोग ज्यादातर देखते होंगे कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं कार्बोनेट, सल्फेट वगैरह वगैरह, ये ज्यादातर मॉडरेट एक्टिव से मिलते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे नेगेटिव रेडिकल्स, हाईली रिएक्टिव नेगेटिव रेडिकल्स जुड़ रहे हैं किन से भाई, हाईली रिएक्टिव पॉजिटिव रेडिकल से या मेटल से। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमारे जो मेटल्स हैं इस स्टेट में 99% पाए जाते हैं, और देख रहे हैं नेटिव स्टेट में 1% से भी कम होते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट में पाए जा रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, तो जान रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव है तो ये कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी प्योर फॉर्म में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कमेंट्स करें, देखें, बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीधे कमेंट्स करें। ठीक है, कमेंट्स करते रहें। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं अभी, बोलिए, नो प्रॉब्लम। सबना मिश्रा, ओके, नो प्रॉब्लम। और कुछ बच्चे प्रॉब्लम है? नो सर। दीपेंद्र कुमार, नो। ठीक है, और अन्नपूर्णा, दीपा,
ठीक से समझे नहीं सर, क्या प्रॉब्लम हुआ भाई? और अर्चना कुमारी नो प्रॉब्लम, समीर कुमार नो प्रॉब्लम, ओके आगे देखते हैं। अन्नपूर्णा दीपा, ठीक है, तो अन्नपूर्णा दीपा क्या देख लें एक बार फिर से आप, हमारा जो मेटल्स देख रहे हैं जितने भी मेटल्स है आप अपने दिमाग में पहले उसे ही देखें, उसके रेंज को देखें कि क्या वो रिएक्टिव हैं। हाँ, तो अगर जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमारे इस एनवायरनमेंट में क्या होंगे, कंबाइंड स्टेट में होंगे। कंबाइंड का मतलब है वो अपने कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे। ओके, कंपाउंड का मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये सोडियम है तो रिएक्शन किससे कर रहा है, एनवायरनमेंट में उपस्थित क्लोरीन, हमारे एनवायरनमेंट में, अर्थ में, हमारे एनवायरनमेंट में ये सभी भी हैं, सिर्फ मेटल ही नहीं है। आप अगर अर्थ की खुदाई करते हो, डिगिंग करते हो, तो उसमें सिर्फ मेटल ही नहीं निकलता है, उसमें से क्या निकलेगा, नॉन मेटल्स भी होंगे, नेगेटिव रेडिकल्स भी होंगे, बहुत सारे चीज होंगे, तो उनके बीच में रिएक्शन। आप सुनते होंगे कि घर में कोई चीज रखते हैं, जैसे अगर आप मेटल्स में अगर कोई एसिड रखना चाहते हैं, जैसे कि दही, कर्ड, आप मेटल में नहीं रखते हो, क्यों? क्योंकि वो मेटल से रिएक्ट कर जाएगा। और आप पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन में कि मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो दैट मीन्स आपका वो कर्ड कर्ड नहीं रह पाएगा, कुछ अदर मटेरियल बन जाएगा और आप दही का यानी कर्ड का मजा नहीं ले पाइएगा, है ना? तो बच्चा लोग इसको बढ़िया से समझिए। तो यहाँ पर क्या है, एक बार हम फिर समझा रहे हैं कि उसी तरह हमारे एनवायरनमेंट को, एक हमारे अर्थ को एक कंटेनर समझ लीजिए, है ना? उस कंटेनर में आपके बहुत सारे चीज हैं, जैसे मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, पर और अदर मटेरियल्स भी हैं। तो हमारे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं वो अपना स्वभाव, अपने नेचर के हिसाब से रिएक्शंस करेंगे और क्या करेंगे, अपने जैसे, अपने ही ग्रुप जैसे चीजों से रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन में सोडियम पोटासियम काफी आगे हैं, पहले ये रिएक्शन करेंगे। उसी तरह नॉन मेटालिक चीजों में, नेगेटिव चीजों में जो रिएक्शन में आगे होंगे वो दोनों पहले एक दूसरे से कंबाइंड होंगे और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है? और जो इनसे लोअर कैटेगरी में है, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, तो ये अपनी रिएक्टिविटी मतलब अपने रिएक्शन में आने में समय लेंगे, तब तक सोडियम पोटासियम रिएक्ट कर चुका होगा, है ना? तो जिंक, आयरन, कॉपर अपने रिएक्शंस के क्रम में क्या करेंगे, रिएक्शन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टाइम लेंगे, तैयारी होंगे। जैसे आप लोग पार्टी में जाते हो तो कुछ लोग बहुत तेजी से तैयारी होकर चला जाता है और जो लेट करता है काफी थोड़ा देर लगाता है अपने आप को हैंडसम बनाने में, स्मार्ट बनाने में, कैसा होता है वो देर पहुंचता है, हर चीज में वो देर पहुंचता है। जैसे अभी आप लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे तो बहुत लोग अभी जो हैं ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, कोई है ना कनेक्टेड हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो देर से आ रहे हैं, है ना? तो देर से आ रहे हैं तो उन्हें वीडियो भी देर से मिलेगी, उन्हें नॉलेज भी देर से मिलेगा, सब चीज देर से मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी मेटल की एक एक्टिविटी सीरीज आप जान रहे हैं, ये पहले आएगा। उसी तरह से नॉन मेटल में भी एक्टिविटी सीरीज होती है, आप लोग उसे देख सकते हैं, नॉन मेटल में भी सीरीज होती है, जैसे कि क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, आप लोग जानते हैं हैलोजन कैटेगरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हाईली रिएक्टिव हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब हाईली रिएक्टिव हैं, है ना? उसके बाद नीचे आते हैं नेगेटिव रेडिकल में, तो उनसे लेस में आते हैं तो हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये सब की कैटेगरी नीचे है नेगेटिव रेडिकल्स में। तो जो नीचे हैं ये लोग आए देर से, क्लोरीन फ्लोरीन के देर से आए। उसी तरह मेटल में कॉपर आ गया, जिंक, कॉपर, आयरन, ये जिंक, आयरन, कॉपर लेट से पहुंचेंगे, इन्हें लेट वाले चीज मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेंगे। कौन मिलेंगे, ये हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट मिलेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, जिन लोगों से मिलेंगे उन्हीं से रिएक्शन होगा, उन्हीं से मुलाकात होगा तो उन्हीं से रिएक्शन होगा, ठीक है? तो हमारे अर्थ में भी इसी तरह का व्यवस्था है, तो जो पहले आए वो रिएक्शन करके अपने कंपाउंड बना लिए, जो लेट से आए यानी जो लेट रिएक्ट किए तो लेट रिएक्ट करने वाले लेट रिएक्ट करने वाले से कंबाइंड हुए। ओके, तो आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली टॉपिक जो है ये अकरेंस से ही आगे बढ़ती है,
और उसका नाम होता है कि हमारे मेटल जो अर्थ में पाए जाते हैं, मेटल जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल्स, मिनरल्स की बात करेंगे। नाम सुना होगा आपने, मिनरल्स की बात करेंगे। तो ये मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है? तो अर्थ में आपने सुना है कि अर्थ एक खजाना है, एक भंडार है बहुत सारे चीजों। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम लोगों ने निकाल लिया है ना, उसे निकाल रहे हैं। और भी बहुत सारे चीज हैं जो हम नहीं जान रहे हैं, है ना। आप लोग पढ़ते होंगे कि भाई सबसे पहले यहाँ पर जो मेटल्स का डिस्कवर हुआ या पाया गया, करेंस हुआ, वो कॉपर था, उसके बाद टीन, फिर जिंक, फिर अल्मोनियम, देन आयरन, ऐसे मेटल्स मिलते गए। कैसे? जमीन की खुदाई करते हुए। ये जो मेटल्स हैं बेटा जो मिले, तो क्या उसी फॉर्म में मिले? नहीं, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिले, इन्हें प्योर किया गया, प्योर किया गया। तो जब ये मेटल्स और बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स हमारे अर्थ में एक साथ होते हैं, है ना, और ये जब आप बाहर निकालते हैं, तो इसी मटेरियल्स को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनमें मेटल्स तो भी उपस्थित होते हैं और उनमें और भी मटेरियल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। तो ये सब एक दूसरे से कंबाइंड स्टेट में होते हैं, तो आप मिनरल्स को कहते हैं कि दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज और कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स विद अदर मटेरियल्स, है ना। तो मिनरल्स को हम कह सकते हैं, अच्छे से अगर डिफाइन करें तो कहते हैं मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स होता है दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज, केमिकल सब्सटेंसेज विच अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट। दीज आर केमिकल सब्सटेंस विच अकर इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। जो भी, जैसे आप बात करते हैं पेट्रोलियम जो निकलता है उसे आप कहते हैं मिनरल ऑयल। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, इसलिए हम उसे मिनरल ऑयल कहते हैं। लेकिन सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल को आप मिनरल ऑयल नहीं कहते हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधों से यानी अर्थ के ऊपर से पेड़ पौधों से तैयार किया जाता है। जैसे मूंगफली का तेल हो गया, ये सब मिनरल ऑयल से नहीं हुआ। इसे आप लोग क्या कहते हैं, जनरल ऑयल से, जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ के अंदर से जो भी चीज निकलती है उसे हम मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल्स के बाद आता है बात ओर्स का। नाम सुना है आप लोगों ने, ओर्स किसे कहते हैं भाई? तो मिनरल्स का ही ये अदर फॉर्म है ओर्स। अगर किसी मिनरल्स को देखा जाए और उस मिनरल्स में जब चेक किया जाए, उसमें से ऑब्जर्व किया जाए कि बहुत मात्रा मेटल्स का है, अमाउंट जो मेटल्स का है वो काफी है और इससे मेटल अधिक से अधिक निकाला जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेटल्स आप निकाल रहे हैं वो मेटल्स इजीली वे में निकल रहे हैं, कम से कम मेहनत करने पे निकल रहे हैं, यानी कन्वीनियंट बहुत है। ओके, इनकन्वीनियंट नहीं है, निकालने में कोई दुविधा नहीं हो रहा है, कन्वीनियंट है। ओके, और मेटल्स जब आप निकाल रहे हैं तो काफी मात्रा में निकल रहा है, कन्वीनियंट है, इसलिए इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो आपको प्रॉफिट देगा। व्यक्ति वो काम जरूर करता है जिससे प्रॉफिट। तो आपने सुना होगा भाई, अभी रतन टाटा जी का नाम सुना होगा आपने, तो रतन टाटा स्टील कंपनी के मालिक हैं, वो वहाँ आयरन से स्टील बनाते हैं, है ना, और भी चीज़ों के वो ऑनर हैं। तो जो स्टील बनाते हैं वो आयरन से बनाते हैं, और आयरन उस क्षेत्र में जहाँ पर वो हैं उस क्षेत्र में आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो अर्थ के विभिन्न हिस्से हैं हमारे पृथ्वी, अर्थ के इतने सारे हिस्से हैं और हर हिस्से में, हर पार्ट में कोई मेटल, कोई खास कोई पर्टिकुलर मेटल्स की जो अक्रेंस होती है, उपस्थिति होती है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और ऐसे तो कोई भी मेटल्स कहें तो हर एरिया में पाया जाता है, लेकिन वो मेटल्स का अमाउंट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, उस पर ध्यान देना है। अगर मान लेते हैं कि हमने
1 लाख रुपया खर्च किया और उसमें से किसी जगह पर पृथ्वी पर अगर हम सोचें कि यहाँ पर हमें निकालना है आयरन या यहाँ पे मिल गया है हमें गोल्ड और वहां से हमने अगर उसे खुदाई करके बाहर निकाला और खुदाई करने में और उसे सफाई करने में उसे प्योर फॉर्म में लाने में मेटल्स को उस सारे अनवांटेड अनडिजायर्ड मटेरियल को अलग करने में हमें 1 लाख लगा और हमारे पास वो मेटल्स 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम प्राप्त हुए तो क्या हुआ, आपका 1 लाख का लॉस हुआ। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहेगा, तो उसके लिए वो उस जगह की खोज करेगा, है ना। बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं उससे उस जगह की खोज होती है जहां पर डिजायर्ड मेटल्स की उपस्थिति पता चलता है, प्रेजेंस पता चलता है, करेंस पता चलता है कि वहां पर है। अगर ऐसा बात पता चलता है कि उस जगह पर काफी वो मेटल है, मान लेते हैं गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कोई भी मेटल अगर पता चलता है, जैसे कि आयरन हमारे जमशेदपुर के एरिया में खास तौर पे बहुत अधिक है, तो वहां पर आयरन का और स्टील का फैक्ट्री लग चुका है, ठीक है, बहुत पहले से लगा हुआ है। तो ओर्स क्या होता है, तो ओर्स एक ऐसा मिनरल्स होता है, ये मिनरल्स ही होता है जिसमें अधिक से अधिक कोई पर्टिकुलर मेटल्स होता है जिसे कन्वीनियंट तरीके से इकोनॉमिकली प्रॉफिट के लिए क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है और उसे कोई डिजायर्ड मेटल्स को प्योर फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे। तो ओर्स का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि ओर्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो ओर्स क्या है भाई, तो दीज आर मिनरल्स, ओर्स क्या है, या ओर्स आर मिनरल्स लिखिए या दीज आर मिनरल्स लिखिए, ये मिनरल्स ही है, पर है क्या भाई, दीज आर मिनरल्स विच यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल विच यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल पर्टिकुलर मेटल, ओके, मेटल विद कन्वीनियंट वे एंड गेट प्रॉफिट का मतलब हुआ इकोनॉमिकली वेरी वेरी परफेक्ट वर्क, ओके, इकोनॉमिकली इतना परफेक्ट वर्क होगा कि मुझे प्रॉफिट देगा, जो भी कंपनी जिस जगह पर आएगी और उसे वो ओर्स मिलेगा, तो ओर्स मिलने पर क्या होगा कि आपको वो मेटल्स अच्छे मात्रा में मिलेंगे, आसानी से मिलेंगे, कन्वीनियंट तरीके से मिलेंगे और इकोनॉमिकली आपके लिए प्रॉफिटफुल होगा, ओके। तो हमें ओर्स समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्थान है मान लेते हैं हमारे इंडिया में, मान लेते हैं यहाँ बिहार है और इस जगह पर मान लेते हैं कि यूपी है कोई, और बिहार को हम ए से लिख देते हैं, यूपी को हम बी से लिख देते हैं, यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। अब बिहार में पता चला कि भाई यहाँ आयरन प्राप्त होता है और इस जगह पर बहुत आयरन है, और हमारे यूपी में भी पता चला कि इस जगह पर काफी आयरन है। चलिए, इस जगह पर जब इसके सैंपल लिए गए तो जो खर्च हुआ प्रति किलो आयरन निकालने का वो 500 रुपया करीब पड़ा, और यहाँ जो खर्च हुआ वो करीब 50 रुपया प्रति किलो हुए। तो आप कहाँ से डिगिंग करना चाहिएगा, खुदाई कहाँ से करना चाहिएगा, तो बताइए आप लोग। और यहाँ पे आसानी से लेबर भी मिल रहे हैं, सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, और भी जो भी कंडीशंस है, ज्योग्राफिकल कंडीशन आयरन को निकालने के लिए, प्योर आयरन को प्राप्त करने के लिए, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है बिहार में और यूपी में नहीं है। इस कारण यहाँ पर बहुत खर्च हो रहा है और 500 रुपीज की खर्च हो गई प्रति किलो। मार्केट में मान लेते हैं 70 रुपीज प्रति किलो बिक रही है अगर आपकी आयरन, तो आप 500 रुपया खर्च करके क्या 70 रुपीज में बेचिएगा, यस या नो कमेंट करें और बताएं कि ये भी मिनरल है, आयरन प्राप्त होता है, इससे भी प्राप्त हो रहा है, ये भी मिनरल है, यहाँ आयरन प्राप्त होता है। तो बताइए कि कौन सा मिनरल्स को हम यूज करेंगे आयरन को प्राप्त करने के लिए, प्योर करने के लिए, बताएं। पूर्णा दीपा, आपको समझ में आ गया, ठीक है, और आगे
बताएं कौन सा यूज करेंगे हम मिनरल, बोला जाए, कमेंट्स करें। ए से अन्नपूर्णा दीपा, ए से सिमी सुमन, ए से शिव कुमार, बिहार का मिनरल। हाँ आपने बिहार का नाम ही ले लिया, ठीक है। अर्चना कुमारी फ्रॉम बिहार, समीर कुमार ए, ओके आप लोग समझ गए हैं। ए से, तो ए से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इस मिनरल्स को हम लोग, दोनों तो मिनरल ही है लेकिन इस मिनरल को और की कैटेगरीज में रखा जाएगा और ये मिनरल ही रह जाएगा। तो आप देखिए ये भी मिनरल है और ये भी मिनरल है, पर ये मिनरल और है और ये मिनरल और नहीं है। दैट मीन्स दोनों मिनरल है पर दोनों और नहीं है, पर और भी मिनरल है और जो और नहीं है वो भी मिनरल है। तो इसका मतलब एक आपके पास पॉइंट आ रहा है, आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेज में, आपने पढ़ा होगा कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ओके इस बात को नोट कर लीजिए, क्या भाई, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। लिख सकते हैं नोटेड पॉइंट में कि ऑल minerals are not ores but all ores are minerals, क्योंकि minerals को check किया जाता है कि वो convenient है, economically fit है, profitful है, तो उसे पता चलता है कि कौन minerals ही रह गया और कौन ores का संज्ञा ले लिया या स्थान ले लिया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स फर्स्ट मिनरल, पहले वो मिनरल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ओर्स के टाइप्स पर, क्योंकि जब आपके अर्थ से जो ओर्स निकलेगा उसमें क्या होगा, मेटल होगा और मेटल के साथ दो और चीजें होंगी उस ओर्स में। एक मेटल होगा जो ह्यूज अमाउंट में होगा, पर ह्यूज अमाउंट में होने के बाद भी वो आपको दिखेगा नहीं। अगर आप अर्थ से कोई भी चीज निकालते हैं तो काफी क्या होता है उसमें, मिट्टी होती है, दैट मींस सोइल स्लैग वगैरह सब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें इतने सारे चीज होती हैं तो वो मेटल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वो मेटल्स उस सारी चीजों के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि वो जो ओर्स हम ले रहे हैं वो ओर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ओर्स के हम टाइप्स की बात करेंगे और वो टाइप्स कैसे हम कंसीडर करेंगे कि कौन सा टाइप्स है। तो वैज्ञानिक लोग जब निकालते हैं तो कैसे कंसीडर करते हैं कि कौन ओर्स क्या है, किस टाइप्स का है, किस कैटेगरीज में है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अब अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ ओर्स। टाइप्स ऑफ ओर्स हम लोग पढ़ने वाले, तो टाइप्स ऑफ ओर्स डिपेंड करता है आपके एक मेन चीज पर जिसका नाम है केमिकल इम्पिटेज। हमारे ओर्स में दो तरह की अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज होते हैं जिसमें हम दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। तो एक होता है केमिकल इम्पिटेज, एक होता है फिजिकल इम्पिटेज। फिजिकल इम्पिटेज को हम लोग अर्थली मटेरियल भी कहते हैं और उसे एक और नाम देते हैं गैंग, है ना। तो हमारे पास जो ओर है वो यहाँ पर हम एक सिद्धांत लिख देते हैं कि ओर में क्या होता है भाई, ओर में होता है आपका मेटल जिसे आप पाने के लिए इच्छुक हैं, एक मेटल होता है उसके साथ यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। अब इम्प्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पे दो इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, है ना। तो एक इम्प्योरिटीज है आपकी केमिकल इम्प्योरिटीज, ये होती है, और दूसरी होती है फिजिकल इम्प्योरिटीज। ओके फिजिकल इम्प्योरिटीज दो होती है, फिजिकल और केमिकल। तो केमिकल इम्प्योरिटीज में क्या होती है, अभी मैंने बात किया, केमिकल इम्प्योरिटीज में आपके जैसे होती है क्लोरीन, फ्लोरीन,
नेगेटिव रेडिकल्स हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फेट, नाइट्रेट इटीसी, ये सारे केमिकल इम्पीडेज होते हैं जो मेटल के साथ कंबाइन करती हैं। और फिजिकल इम्पीडेज सभी में एक ही होते हैं, वो वहाँ के अर्थ के जो स्ट्रक्चर है, जिस जगह पर आप हैं, बिहार में है, यूपी है, कहाँ, उसके अकॉर्डिंग होता है। वो क्या होते हैं भाई, तो वो होते हैं सैंड, सोयल, है ना, स्टोन चिप्स, स्टोन चिप्स, फॉसिल्स इटीसी, बहुत सारे चीज होते हैं, है ना, बहुत सारे चीज होते हैं, आपके मर्ड होते हैं, क्ले होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। इन सभी को एक साथ एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है गैंग। एक और नाम मैं बता दे रहा हूं, उसको कहते हैं मैट्रिक्स, है ना। गैंग को मैंने पहले बताया होगा, याद होगा, अगर प्यार से आप बोलना चाहें तो गंगुआ बोल सकते हैं, है ना, गंगू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक है फिजिकल इम्पीडेज, एक केमिकल इम्पीडेज। तो मेटल के साथ जो डायरेक्टली अटैच होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी इम्पीडेज होता है, उसके बाद उसके साथ फिजिकल इम्पीडेज भी अटैच होता है, ठीक है। तो ये है ओर। अब ओर का टाइप डिपेंड करता है केमिकल इम्पीडेज में, क्योंकि फिजिकल इम्पीडेज सभी में एक ही जैसा है, फिजिकल इम्पीडेज सभी में एक ही जैसा है, पर केमिकल इम्पीडेज डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट इम्पीडेज के आधार पर हमारे टाइप्स ऑफ ओर्स भी डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ओर में, तो टाइप्स ऑफ ओर में सबसे पहले लिया जाता है ऑक्साइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स। नंबर टू क्या लिया जाता है ऑक्साइड ओर्स के बाद, अगर हम बात करें तो कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स। थर्ड क्या लिया जाता है, सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स। फोर्थ क्या लिया जाता है, अगर हम बात करें तो सल्फेट ओर्स, सल्फेट के पहले आप हेलाइड्स ओर पढ़ लें, हेलाइड्स ओर। पांचवा नंबर आप पढ़ सकते हैं सल्फेट ओर्स, और भी ओर होते हैं। अगर हम बात करें सिक्स नंबर, तो नाइट्रेट ओर्स, सिलिकेट भी लिख सकते हैं, एक सिलिकेट ओर्स भी होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं ये। फिर आते हैं आपके, अभी मैंने नाम लिया नाइट्रेट ओर्स। तो ये मेनली आपके ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स और हेलाइड्स ओर्स, ये चार जो मैंने लिखा, ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फोर, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं, इन चार ओर्स की है हमारे अर्थ में। बाकी की संख्या बहुत कम है, सल्फेट ओर, सिलिकेट ओर और नाइट्रेट ओर, एक दो आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, इन्हें नाम कैसे पढ़ा, मैंने कहा जैसे अगर हम ऑक्साइड ओर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी मेटल हो, उस मेटल के साथ ऑक्सीजन केमिकल इम्पीडेज के फॉर्म में होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ऑक्साइड ओर्स में एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का एक ओर्स है जिसका नाम आप जानते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो ओर्स है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, ये आप देख लीजिए। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इन्हें मैंने राउंड कर दिया है, यहाँ देख रहे हैं Al2O3.2H2O, ये फॉर्मूले में आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ डायरेक्टली जो अटैच है वो ऑक्सीजन है। ये इस ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट, इसका नाम दिया गया है। और ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ऑक्साइड ओर्स की कैटेगरी में आएगा। अगर हम एक और हम एल्यूमिनियम का ओर लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, इसलिए ऑक्साइड ओर्स के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, ये ऑक्साइड ओर्स के कैटेगरी में नहीं आता है, ये आता है फ्लोरीन है, हैलोजन ग्रुप है, ये हेलाइड ओर्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का ओर हेलाइड्स का हो सकता है, या ऑक्साइड्स का हो सकता है, या और भी कैटेगरीज का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि लिया गया एल्यूमिनियम के साथ जो जुड़ा हुआ जो नेगेटिव पार्ट है, जो केमिकल इम्पीडेज है, वो कौन सा है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। और भी हम बात आगे समझें, और भी एग्जांपल से समझें, तो वो समझ में आने लगेगी बातें। आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप लोग साथ में पढ़ते रहें, लिखते भी रहें,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई कि डाउनलोड नहीं हो पाता है, अपलोडिंग नहीं हो पाता है, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा लिखते भी रहें और समझते भी रहें, कमेंट्स करते रहें अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया होगा, और कमेंट्स करें, कमेंट्स करें। कुछ और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट ओर्स, तो कार्बोनेट्स ओर में जैसे आयरन का एक ओर आता है सीडेराइट, FeCO3, FeCO3। देखिए यहाँ आयरन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो CO3 जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा ओर्स में आएगा, तो ये ओर्स में आएगा इसमें भाई, तो कार्बोनेट ओर्स में आएगा, ठीक है, ना कि ऑक्साइड ओर में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं FeS2 होता है, इसे हम कहते हैं क्या भाई, आयरन पाइराइट्स, और आयरन के साथ यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोनेट ओर्स में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, तो हमारे पास सल्फाइड यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सल्फाइड ओर्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये आयरन के दो ओर्स हैं, एक हम सीडेराइट बोल रहे हैं, एक आयरन पाइराइट्स बोल रहे हैं। गौर से सुनिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीडेराइट और इसे कहते हैं आयरन पाइराइट। किस ओर में आ रहा है, दोनों आयरन की हैं, पर दोनों का जो कैटेगरी है टाइप्स ऑफ ओर्स में अलग अलग है, क्योंकि यहाँ देखिए इस आयरन के साथ कार्बोनेट है और यहाँ देखिए ये क्या है, सल्फाइड है, इसलिए ये सल्फाइड ओर में है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके बुक्स में है, इसे आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करना होगा, रटना होगा, और जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएगा इसका नाम को इस्तेमाल करते जाएगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे सेट होगा। तो बहुत सारे ओर्स हैं, इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम कॉपर के भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कॉपर्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, CuFeS2, तो कॉपर पाइराइट है। अब आप पढ़े हैं रूबी कॉपर, Cu2O, तो यहाँ कॉपर के साथ सल्फर अटैच्ड है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो दोनों कॉपर के ओर तो हैं, लेकिन इनकी कैटेगरीज अलग अलग है, इनके जो कंडीशन है वो अलग है। कॉपर के साथ यहाँ सल्फर अटैच्ड है केमिकल इम्प्रिटीज, और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है। इस प्रकार आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि दोनों तो सर कॉपर के ओर हैं, बट दोनों के टाइप्स अलग हैं। ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो आएगा सल्फाइड ओर्स में, नीचे वाला आएगा ऑक्साइड ओर्स में, ओके। इस प्रकार और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कौन ओर्स किस में आते हैं, तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, समझ में आ रही होगी बात। तो अगर हम ले लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, ये इसे हम रॉक साल्ट कहते हैं, रॉक साल्ट। यहाँ सोडियम मेटल के साथ आपको पहले ही बताए थे क्लोरीन जुड़ा मिलेगा, क्लोरीन, तो ये रॉक साल्ट है। अब ये किस कैटेगरी में होगा, ये सोडियम का ओर है, फर्स्ट ये जानिए, ये सोडियम का ओर है, किसका है, ये ओर ऑफ सोडियम, बट किस कैटेगरी में है, तो इसका कैटेगरी देख रहे हैं सोडियम के साथ कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम हैलोजन कहते हैं, और जिसमें हैलोजन है उसे हम हेलाइड ओर्स कहते हैं। तो ऑक्साइड ओर्स में कहा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स में कहा जा रहा है कि जिसमें कार्बोनेट CO3 लगा हुआ देखिए जिस मेटल के साथ उसे कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर में अगर एस देखे, अभी हमने दिखाया था एस, जैसे यहाँ पर है अभी दिखा रहा हूँ CuFeS2 मैंने दिखाया था, FeS2 दिखाया था, है ना, PbS, इसे आप जानते हैं लेड सल्फाइड, क्या कहते हैं, गलेना, हाँ गलेना कहते हैं। इसी तरह से HgS, इसे कहते हैं सिनावार, तो ये सिनावार जो है ये मर्क्यूरी का ओर है, और कौन सा ओर है, तो सल्फाइड ओर्स है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ओर्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये कौन सा ओर्स है, तो अगर आपको हैलोजन दिख रहा है तो वो हेलाइट सोर्स है, क्या दिख रहा है, हेलाइट सोर्स है। अगर हम सल्फेट ओर्स की बात करें, इसका भी एक एग्जांपल ले लें, तो सल्फेट्स ओर में आपने सुना होगा नाम क्या भाई, ब्लू बिट्रोल का नाम सुना होगा, CuSO4.5H2O,
आपने नाम सुना होगा, ये है ब्लू विट्रोल, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉपर के साथ सल्फेट है, ये आपका एक सल्फेट ओर्स है कॉपर का। आपने और भी सल्फेट देखे होंगे जैसे एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, यहाँ आप देख रहे हैं ये मैग्नीशियम का सल्फेट ओर्स है। ये बहुत कम ही दुनिया में पाया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के रेंज में आता है, पर ये लेयर पे अपना क्रोड लेयर बनाने में भी आगे है, तो इसे काफी हीट चाहिए रिएक्शन के लिए अगर क्रोड लेयर बन जाता है, तो इस कारण ये सल्फेट ओर भी बनाता है। तो इसे हम कहते हैं एप्सम सॉल्ट, और ये आपका हो गया ब्लू विट्रोल, ठीक है। तो ये आ गए आपके सल्फेट ओर्स। इसी तरह और भी ओर्स हैं, आप देखेंगे बुक्स में, इसे आपको खुद ब खुद अपने दिमाग में सेट करना होगा। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप कमेंट्स करें, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। शिव कुमार सर, शबनम सिन्हा, यस सर। दीपेंद्र कुमार, यस सर। शबनम सिन्हा, हाँ कार्बोनेट, ठीक है, गुड, बताइए। समीर कुमार, यस सर। ना यस सर, हाँ शुभम सिन्हा, हेलाइड ओर्स, ठीक है, आपका आंसर भी सही जा रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यथाशीघ्र कमेंट्स करें, क्योंकि निर्धारित समय पे हम लोग को क्लास लेना है और भी आगे क्लास लेनी होती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। दीपेंद्र, अन्नपूर्णा, पता के अन्नपूर्णा, दीपा बोल रही है सर, पता कैसे चलेगा कि किस कैटेगरी का ओर्स है? तो आप उसके केमिकल फॉर्मूला को देखें, आप उसके केमिकल फॉर्मूला को देखें। मैंने क्या कहा, कॉपर के साथ क्या लगा हुआ है, SO4 सल्फेट, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सल्फेट ओर्स हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम के साथ है ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा, ऑक्साइड ओर्स, ओके। इसी तरह से अगर आपके साथ किसी के साथ हैलोजन है, जैसे अभी आपने दिखाया NaCl हैलोजन है, तो हेलाइड ओर्स, है ना। KCl क्या हो गया, हेलाइड ओर्स। तो जिसके साथ क्लोरीन, क्लोरीन या फ्लोरीन जुड़ा हो, जैसे NaF जुड़ा हुआ है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं हॉर्न सिल्वर, AgCl, AgCl, Ag सिल्वर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा ओर हो गया, हेलाइड ओर हो गया। अभी आपको बताया गया है कार्बोनेट्स में भी बताया गया है, कार्बोनेट्स में क्या बताया गया है, अगर आपके पास जैसे आयरन है, यहाँ CO3 लगा हुआ है, तो कौन कैटेगरी में आया, ये सीडेराइट है, इसका नाम सीडेराइट है, लेकिन आपको रटना होगा उसका ये केमिकल फार्मूला। सीडेराइट से पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा ओर है, सीडेराइट का फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को देखेंगे, उस फार्मूला में मेटल को देखेंगे, तो मेटल को देखने से पता नहीं चलेगा कि कौन सा ओर है, मेटल के साथ कौन ये केमिकल इंटिटी जुड़ा हुआ है, तो CO3 जुड़ा हुआ है, तो ये कौन कैटेगरी में आ जाएगा, कार्बोनेट, CO3 का मतलब कार्बोनेट। इस तरह से आपको मेटल के साथ जुड़े हुए ओर्स को देखना है, ओके, समझ में आ गया होगा समस्या का समाधान, ठीक है, धन्यवाद, क्लियर। अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।